तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है सी डी आई यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये है सी डी आई सुजुकी कंपनी के स्विच स्कूटर का ये सी डी आई है। और इसमें देख सकते हैं चार वायर और एक यहाँ है, पांच वायर इसमें लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये पांच वायर के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और बाय चांस ये स्कूटर में अगर करेंट ना आए, स्पार्क ना दे, तो हम लोग का क्या क्या चेक करना चाहिए वो भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, ठीक है। जब आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप यानी कि एकदम अच्छा से समझ पाओगे और सीख भी पाओगे, तो आप इजीली यानी कि समस्या का यानी कि फॉल्ट आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले ये पीला वाला वायर हम आपको यानी कि जानकारी देंगे। ये पीला वाला वायर देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं, ये सॉकेट में यहाँ वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ सिर्फ वायर दी गई है दोस्तों, ठीक है। ये पीला वाला वायर है दोस्तों टीपीएस सेंसर का, ये वायर है जो हमारे कार्बेटर से आता है। एक ही वायर यहाँ आ रहा है ये सीरिया में टीपीएस सेंसर से, जो हमारे कार्बेटर में यानी कि लगा रहता है। तो चलिए हम आपको ये प्रूफ भी हम देते हैं कि वहीं से ये वायर आया है दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये है हमारे एक्सीलेटर के, ये देख सकते हैं ये थ्रॉटल पिन, ठीक है। ये पिन वगैरह देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ के कार्बेटर निकाल के बाहर रख दिए हैं, लेकिन ये देख सकते हैं ये कार्बेटर में ही फिट रहता है। और टीपीएस सेंसर ये है दोस्तों, देख सकते हैं। और दो वायर यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये वायर यहाँ आता है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आता है। ये दोनों वायर देख सकते हैं, यानी कि आप देख के ही यानी कि समझ नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पीला वाला वायर यहीं से हमारा जाता है दोस्तों सी डी आई में, पूरा पीला वाला वायर यानी कि आप मिला सकते हैं, ये गया है सी डी आई में। और एक ये वायर देख सकते हैं दोस्तों, तो ये वायर है ना दोस्तों, ये है बॉडी अर्थिंग, यानी कि ये बॉडी अर्थिंग के तौर पर काम करता है, जो हमारा देख सकते हैं काला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये जो पीला वाला वायर है ना दोस्तों, ये वाला वायर के करंट से कोई हमारा लेना देना नहीं होता है दोस्तों। तो ये यानी कि वायर का यानी कि छोड़ देना है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इस पार के रिलेटिव में यानी कि करंट के यानी कि विषय में इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये छोड़ देना है दोस्तों, लेकिन हम आपको जानकारी दे दी है कि ये वायर यानी कि कहाँ के है, ठीक है दोस्तों। और एक ये वायर आप दोस्तों ये देख सकते हैं, जो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये चॉकलेटी कलर के वायर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बजाज कंपनी के मोटरसाइकिल में ये चॉकलेटी कलर के वायर में 12 वोल्ट करंट आता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये स्विस, ये सुजुकी कंपनी के स्कूटर में देख सकते हैं, ये चॉकलेटी कलर के वायर में पिकअप कॉइल का ये वायर है, देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पिकअप कॉइल का वायर है, इसमें यानी कि पिकअप कॉइल का वायर है। हम आपको पिकअप कॉइल में भी मैग्नेट कॉइल लॉन्ग भी हम जाके हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है मैग्नेट कॉइल, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ ओपन करके यानी कि रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये है पिकअप कॉइल, ठीक है। और पिकअप कॉइल में ये देख सकते हैं, ये चॉकलेटी कलर का वायर यहाँ देख सकती है, यही यहाँ से इनपुट सीडीआई में घुसता है दोस्तों, देख सकते हैं। हम आपको यहाँ भी दिखा देते हैं, देख सकते हैं, ये चॉकलेटी कलर का वायर देख सकते हैं, यही वायर गया है सीडीआई में इनपुट, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक ये वायर आप देख सकते हैं, जो काला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ये है बॉडी अर्थिंग। ये वायर दोस्तों हमारे सीडीआई में बॉडी अर्थिंग आता है, ये भी इनपुट ही आता है दोस्तों, ठीक है। ये बॉडी अर्थिंग के तौर पे ये काम करता है, ठीक है। और ये सीडीआई में आया है इनपुट बॉडी अर्थिंग, और एक पिकअप कॉइल आया है, ठीक है। तो ये पिकअप कॉइल भी हम कहीं करेंट ना आए तो पिकअप कॉइल भी इजिली यानी कि चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर में। पिकअप कॉइल सही रहेगा तो 2 से 30 से लेकर 2 से 50 तक अगर रीडिंग आ रहा है तो आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि पिकअप कॉइल एकदम परफेक्ट है दोस्तों, ठीक है। और ये बॉडी अर्थिंग भी आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी मोड पर लगा के, कि बॉडी अर्थिंग सीडीआई तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मल्टीमीटर से ही चेक करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये पूरा संतरी कलर का वायर है, यानी कि ऑरेंज कलर का वायर है दोस्तों। तो ये वायर दोस्तों जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं, देख सकते हैं ये है इग्निशन स्विच, ठीक है। ये इग्निशन स्विच है, जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो इग्निशन स्विच ऑन करते ही ये सीडीआई में घुस जाता है, यानी कि इनपुट आ जाता है 12 वोल्ट करेंट, देख सकते हैं यहाँ 12 वोल्ट करेंट आ रहा है पूरा ऑरेंज कलर के वायर में, सीडीआई में इनपुट घुस रहा है। और ये फ्लाशर भी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये फ्लाशर, ये फ्लाशर में भी देख सकते हैं सेम टू सेम वही कलर का ये वायर, यानी कि ऑरेंज कलर का वायर, इसमें भी 12 वोल्ट करंट यानी कि आ रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये इग्निशन स्विच के जैक आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये यहाँ ऑरेंज कलर का वायर को, ऑरेंज कलर का वायर आपको देखने को यानी कि मिलेगा, ये देख सकते हैं, ये यानी कि जैसे ही चाबी हम ऑन करते हैं तो इसमें 12 वोल्ट करंट आता है। और ये पूरा लाल कलर का वायर आप देख सकते हैं, ये आता है बैटरी से डायरेक्ट, जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही ये यानी कि लाल कलर का करंट यानी कि ये यानी कि ऑरेंज कलर के वायर में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे यहाँ देख सकते हैं, ये यानी कि फ्लाशर में आ रहा है 12 वोल्ट करंट, और एक यहाँ सीडीआई में 12 वोल्ट करंट आ रहा है दोस्तों, और एक यहाँ देख सकते हैं हॉर्न में भी 12 वोल्ट करंट आ रहा है, ठीक है। और ये देख सकते हैं, इसमें भी 12 वोल्ट करंट यहाँ आ रहा है, पूरा ये ऑरेंज कलर का वायर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो बाय चांस कहीं करंट भी ना आए मल्टीमीटर से आप लोग चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर का 20 वोल्ट में रख के यानी कि आप इसमें चेक कर सकते हैं कि 12 वोल्ट करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसमें यानी कि पिकअप कॉइल का रीडिंग भी सही दिखा रहा है और इसमें बॉडी अर्थिंग भी आ रहा है ये वाला वायर में, और दोस्तों इसमें 12 वोल्ट करंट भी आ रहा है तब भी करंट नहीं आ रहा है दोस्तों, यानी कि इनपुट लाइन सब सही है तब भी करंट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये CDI से आउटपुट करंट निकलता है ये वाला वायर में, देख सकते हैं दोस्तों ये वाला वायर में यानी कि काला पे नीला लाइन बना हुआ है दोस्तों। तो ये CDI से आउटपुट करंट निकल के कहाँ जाता है, हाई टेंशन कॉइल में, कहाँ जाता है, हाई टेंशन कॉइल में, ठीक है। अगर हाई टेंशन कॉइल तक करंट आ रहा है यानी कि ये CDI आउटपुट करंट भेज रहा है हाई टेंशन कॉइल तक और तभी करंट नहीं आ रहा है तो यानी कि कंफर्म हो जाना चाहिए कि हाई टेंशन कॉइल गया है, ठीक है। अगर बाय चांस ये CDI इनपुट लाइन सब सही है तब भी ये CDI आउटपुट करंट नहीं भेज रहा है हाई टेंशन कॉइल तक, यानी कि ये वाला वायर में आउटपुट करंट नहीं आ रहा है बॉडी में, जैसे ही ये वायर के ये बॉडी में हम यानी कि टच करेंगे तो टच करने पर फायरिंग यहाँ नहीं मार रहा है, तो यानी कि कंफर्म हो जाना चाहिए कि दोस्तों ये CDI ख़राब है। तो ये चलिए ये वाला वायर भी हम हाई टेंशन कॉइल लंग जाके हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये हाई टेंशन कॉइल, ठीक है, यानी कि HT कॉइल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसका ये जैक देख सकते हैं, ये कपलर देख सकते हैं जो काला पे नीला लाइन बना हुआ है, यहाँ देख सकते हैं काला पे नीला लाइन बना हुआ है। तो यही एक वायर CDI से यानी कि आउटपुट करंट आता है दोस्तों, अगर ये वाला वायर में आउटपुट करंट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि हम लोग को कंफर्म हो जाना चाहिए कि CDI ख़राब है। और दोस्तों आउटपुट करंट बाय चांस कहीं आउटपुट करंट ये वाला वायर में आउटपुट करंट CDI भेज रहा है तब भी यानी कि यहाँ करंट देखने को हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये हाई टेंशन कॉइल आप देख सकते हैं हाई टेंशन कॉइल ख़राब हो चुका है। तो हाई टेंशन कॉइल आप यानी फेर देंगे तो यहाँ से यानी कि स्पार्क यानी कि आ जाएगा, यानी कि करेंट आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।